जो अल्लाह के बंदे हैं आए हमारे भाई हैं। हमारे यहाँ कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई देवी के चरणों में शीश झुकाता है, कोई भगवान शंकर की आराधना करता है, कोई परम ब्रह्म परमात्मा को याद करता है, और हम तो कहते हैं स एक एवा प्रभुर द्वितीय रुचि नाम विचित्रा दृष्टि नाना पजुशाम नणा मे को गम्य स्तुमसी पैसा न वह। किसी भी मार्ग से जाओ ईश्वर मिलेगा, और इसीलिए कहते हैं ये किसी मुसलमान का अपमान नहीं है और ना हमको किसी मुसलमान से द्वेष। अल्लाह के बंदों से अपना कोई बेर नहीं है, पर बाबर गजनी के भक्तों की अब खैर नहीं है। कि जोड़ो देश छोड़ो बाबर से अपनी पहचान, और पूजा पद्धति भले अलग पर पूर्वज एक समान। बोलो जय श्री राम, बोलो जय 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 जय श्री राम। अरे भाई साहब, अच्छा अच्छा पहले भी जब लड़ाई होगी तो सब भी तो तोड़फोड़ हुई होगी। हाँ, आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यह 6 दिसंबर की जो घटना है यह इतिहास के लिए नई घटना नहीं है। सन 1934 में हिंदुओं ने इस ढांचे को तोड़ दिया था, इस ढांचे के गुम्बद पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए थे। सन 34 में हिंदुओं ने ये ढांचा तोड़ा था, तो अंग्रेजों ने हिंदू के पैसे से फिर जोड़ा था। अब फिर से जब भक्तों ने है उसको तोड़ गिराया, तो कांग्रेस ने पुनः बनाने का संकल्प उठाया। अरे अंग्रेजों और कांग्रेस की नीति एक समान, सत्ता है तू लड़वाते हैं हिंदू मुसलमान। बोलो जय जय श्री राम, 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 बोलो जय जय श्री राम। भाई साहब एक मिनट करिए, हाँ आप जो है अंग्रेजों और कांग्रेसों की तुलना कर रहे हैं। हाँ, एक जगह बता रहे हो। हाँ, और इसका कोई प्रमाण है आपके पास? आप डरो मत, मैं समझ गया। आप जो पूछने था समझ गया मैं। सुनो, सन 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस समय जब अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष लड़ा गया, तो अमीर अली जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने कहा था भाई ये ढांचा जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, भूमि हिंदुओं की पावन जन्मभूमि है, इसे हिंदुओं को वापस कर दी जाए। दोनों को इमली के पेड़ से फांसी से लटका दिया था कुबेर टीले के पास में। उस समय राष्ट्रवादी मुसलमानों की बात अंग्रेजों ने नहीं सुनी, और आज भी राष्ट्रवादी मुसलमान बार बार कह रहे हैं कि मस्जिद दे दी जाए, ये ढांचा हिंदुओं को दे दिया जाए, तो आज तक नहीं सुनी। अब भी कट्टरपंथी को आगे बढ़ाना यही कांग्रेस की नीति है कि ढांचा हिंदू को देने की थी अमीर ने ठानी, के अंग्रेजों ने मार गिराया बात न उसकी मानी। अब भी राष्ट्रभक्त मुस्लिम की बात न इनका सुनती, कठमुल्लों को ही समझो तो आदि है तू चुनती। अंग्रेजों ने जिन्ना को जू दे रखा था मान, कांग्रेस भी कट्टरपंथी को देती सम्मान। बोलो जय जय श्री राम, 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 बोलो जय जय श्री राम। लेकिन आपने न्याय पालिका का सीधा उल्लंघन किया है। हम कांग्रेसी जनता दलियन समाजवादी पार्टी सब धर्म निरपेक्ष वादी लोग न्याय को ही सर्वोच्च मानते हैं। सही बात है, आपने न्याय का उल्लंघन किया है। अरे आप सुनो, आप बात जब आप जोर से चिल्लाना जानते हैं, मैं भी जोर से चिल्लाना जानता हूँ। आप सुनिए, तर्कपूर्ण बात की, तर्क तरीके से उत्तर लीजिए। आप लोगों ने, कांग्रेसियों ने, जनता दलियों ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने और कम्युनिस्ट लोगों ने बड़ी न्याय की बातें मानी। और सुनो कि हाई कोर्ट के आदेशों को इंदिरा ने कम माना, और याद करो वह आपातकाल का गुजरा हुआ जमाना। और मुलायम ने न्याय रोंद कर रेलों को रुकवाया, वो लालू ने रथ रोका था न्यायालय क्या कर पाया। साबानों के केस में भी न्यायालय का अपमान, ये राम के भक्त लुटाने निकले राम से अपनी जान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। सुनो सुनो महाराज, मेरी बात सुनो पहले। आप शांत रहिए, आप सुनिए मेरी बात, आप बात सुनिए।
जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है, तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया, न्याय का मुंह बंद कर दिया। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला तो 132 बार मुलायम सिंह ने न्याय का उल्लंघन किया। लालू प्रसाद ने अडवाणी का रथ न्याय के विरुद्ध में रोका। इतने हिंदुओं की हत्या की गई, किस न्याय के आधार पर इसमें तार सेवकों के सिरों पर और गर्दनों पर गोलियां चलाई थी? सब न्याय चले जाते हैं। और जब शाहबानों का मामला आया, कट्टरपंथी मुस्लिमों ने धमकी दी, तो राजीव गांधी ने घुटने टेक के शाहबानों के मामले में न्याय के निर्णय को पलट दिया और कह दिया शरीयत प्रमुख है। अरे वाह, अरे तुम्हारा न्याय, बात न्याय की दुष्टों तुमने खुद ही कब है मानी, सुन लो कि बात न्याय की दुष्टों तुमने खुद ही कब है मानी, और सत्ता के मद में है तुमने करी सदा मनमानी, और न्याय की बातें करने वाले राव होश में आओ। आप बहुत ज्यादा राव साहब बार बार बोल रहे हैं भाई साहब, सुन लो, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है कावेरी नदी का जल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बांटो, बटवाओ जाके को आपके राव साहब से, बाद में हमसे न्याय की बात करना। की बात न्याय की दुष्टों तुमने खुद ही कब है मानी, और सत्ता के मद में है तुमने करी सदा मनमानी, और न्याय की बातें करने वाले राव होश में आओ, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कावेरी जल बटवाओ, और किया सैकड़ों बार तुम्हीने न्याय कहे अपमान, और राम के भक्त लुटाने निकले राम पे अपनी जान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। और सुनो, ये छोटी बात है, इमाम बुखारी जिसके विरुद्ध कोर्ट का वारंट है पकड़ के लाओ। इमाम बुखारी चिल्लाता है, कोई पागल न्यायाधीश, कोई पागल अदालत मुझे पकड़ के तो देखे सरकार में, तुम्हें तो गिरफ्तार करे। सरकार क्यों नामर्द बन के छुपी हुई बैठी है? ये हंसी उड़ाता न्याय की देखो अब्दुल्ला बुखारी, और कहा कोर्ट ने पर न हो सकी जिसकी गिरफ्तारी, और कलकत्ता की मस्जिद का तुम अतिक्रमण हटवाओ। सुनो, कलकत्ता की एक मस्जिद ने अतिक्रमण कर रखा था, तो बड़े प्रेम से कोर्ट ने जब निर्देश दिया कि अतिक्रमण हटना चाहिए, तो इन्हें कहा नहीं, मुसलमान है, आतंक मचा देंगे, देश खतरे में पड़ जाएगा, पर अपन तो कुछ मत करो। आय हाय रे तुम्हारा न्याय प्रेम। और सुनो, काशी के कब्रिस्तान में जो शियाओं का कब्रिस्तान है उसमें सुन्नियों की दो कब्रें हैं, कोर्ट ने फैसला दिया दो कब्रें बाहर निकाली जाए, पर आज तक नहीं निकाली। जब मुस्लिमों की आस्था का प्रश्न आता है तो नहीं नहीं ये तो कोर्ट तो बात की बात है, जब हिंदुओं के आज तक प्रश्न आता है तो आपका न्याय बीच में आता है। सुनो कि हंसी उड़ाता न्याय की देखो अब्दुल्ला बुखारी, कहा कोर्ट ने पर न हो सकी जिसकी गिरफ्तारी, कलकत्ता की मस्जिद का तुम अतिक्रमण हटवाओ, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कावेरी जल बटवाओ, और मुस्लिम महिलाओं को न्यायिक हक उनके दिलवाओ। अरे न्याय दबा कर बैठा है काशी का कब्रिस्तान, ये राम के भक्त लुटाने निकले राम पे अपनी जान। अरे साहब, ये तो सब पुरानी बातें कर रहे हो, ये हमने माना कि इंदिरा जी, राजीव, मुलायम और वीपी ने न्याय का अपमान किया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री श्री राव साहब तो न्याय की स्थापना करना चाहते थे, बात सुनो आप, लेकिन आपने जल्दबाजी में ढांचा ढहाकर न्याय का अपमान किया। आप जोर से मत चिल्लाइए, आप बकवास बंद कीजिए। अरे जाकर पूछो आपके राव साहब से, किस कानून के आधार पर, किस न्याय के आधार पर उन्होंने लाल किले से उस विवाद ढांचे को मस्जिद बोला? न्यायालय ने उस ढांचे को विवादित ढांचा कहा है, आज तक न्याय के आदेशों में वह विवादित ढांचा ही कहा जाता है, पर आपने लाल किले से मस्जिद नहीं टूटने के, सबसे बड़ा अपमान तो आपके राव साहब ने किया जिनके आप हिमायती बनके चिल्ला रहे हो। कि न्यायालय का तो खुद राव ने भी अपमान किया है, कि न्यायालय का तो खुद राव ने भी अपमान किया है, और लाल किले से ढांचे को मस्जिद का नाम दिया है, और आपके ही गृह मंत्री ने जहां करी राम की पूजा। सुन लो भाई साहब, बड़ी दोगली बातें करते हो, आपके शंकर राव चौहान जब अयोध्या गए बड़े चेक करने के लिए, बड़ी सिक्योरिटी में घूमने, जब मंदिर में गए तो राम जी के दर्शन किए, प्रसाद लिया, और फिर कहते हैं कि भाई एक बात है, अब मंदिर तो देख लिया, अब मस्जिद बताओ कहाँ है। ये आपके
शंकर राव चौहान बोल रहे थे कि मंदिर देख रहे, मस्जिद कहाँ है? अरे वही ढांचा जिसको खुद मंदिर कह रहे हैं आपके शंकर राव चौहान, उसको आप राव साहब मस्जिद कहते हो। कि न्यायालय का तो खुद राव ने भी अपमान किया है और लाल किले से ढांचे को मस्जिद का नाम दिया है। आपकी ही गृह मंत्री ने जहां करी राम की पूजा, उसको मस्जिद कहने का बोलो तुमको क्या सूझा? दोनों में से कौन है झूठा, तुम हो या चौहान? राम के भक्त लुटाने निकले राम पे अपनी जान। बोलो जय जय ठीक है ठीक है, आप बार बार उसे मंदिर कह रहे हैं, आपके पास क्या प्रमाण क्या सबूत है कि वो मंदिर ही था? सबूत देना होगा। अरे तो क्या उन्होंने माना कि न्याय का अपमान किया है, तो क्या आप भी न्याय का अपमान करेंगे? फिर उनमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा? किसने न्याय का अपमान किया? आप नाते तो आप नाग नाते भाई साहब, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप सुनिए उत्तर। मैं आपको सब प्रश्नों को शांति से उत्तर दे सकता हूँ, और देखो ये मैं साफ कह रहा हूँ, अगर आपको लड़ना है तो उस तरह से आ जाओ, बंदा जुड़ो गाड़े में माहिर है। कोई बात नहीं, आप शांति से बात करो। सुनो कि न्याय अगर आया कुरान पर तुमने ही हटवाया, यह मूल समस्या है। जब कुरान के विरुद्ध याचिका लगी कि कुरान कहती है काफिर है, पकड़ो मार डालो, तड़पा तड़पा कर मारो, तुमको जन्नत मिलेगी। शुद्ध हिंसा की शिक्षा जो आयतें देती हैं, उनके ऊपर जब कोर्ट में याचिका गई तो कोर्ट ने कहा, इसे सरकार ने कहा कि यह आस्था का प्रश्न है, इस पे कोर्ट फैसला नहीं दे सकती है। तो मेरा भी कहना यही है कि आस्था का प्रश्न है तो हिंदुओं की भी आस्था का प्रश्न है, राम जन्मभूमि है, हमारी भी रामचरितमानस में लिखा है। आप कौन सी चौपाई की प्रमाण की बात कर रहे हैं? चौपाई जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरयू बह पावनी, मन्नऊ अवध पुरी अति पावनी, मन्नऊ अवध पुरी अति पावनी, सरयू सर कली कलुष न सावनी, बन्नऊ अवधपुरी अति पावनी, सरयू सर कली कलुष न सावनी। और चूंकि हमारी आस्था का विषय है, इसलिए हम कहते हैं कि न्याय अगर आया कुरान पर तुमने ही हटवाया, और आस्थाओं का विषय मानकर कोर्ट बाहर करवाया, आज राम का प्रश्न खड़ा है इसे भी बाहर मानो, हे कुरान तो कोर्ट के ऊपर रामायण है नीचे, आपके आस्थाओं का मापदंड गलत है। यदि कुरान आस्था का विषय है तो रामचरितमानस भी आस्था का विषय है। कि हे कुरान तो कोर्ट के ऊपर रामायण है नीचे, सेक्युलर सारे हैं बैठे तथ्य से आंखें नीचे, अरे हम भी कहते कोर्ट के बाहर श्री राम भगवान, नियम पे चले हैं हिंदू इससे कैसा है अपमान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, अरे भाई साहब आप बार बार वहाँ पे मंदिर की बात करते हैं, हमें ये तो बताइए कि वहाँ पे मंदिर था, इस बात का आपके पास कोई प्रमाण है क्या? अरे ये बात खुद सरकार कह रही है, सरकार ने जब 86 में ताला खोला तो यह कहकर खोला कि राम जन्मभूमि का ताला खोल रहे हैं, कोई बाबरी मस्जिद का ताला नहीं खोला गया। सुनो।